नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज हम VVA के थ्रू सेल्स को हाईलाइट करना सीखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए ये तो छोटा अभी सीट है, अगर बड़ी लंबी सीट होती तो हमें यहाँ पे चेक करने के लिए हम ये वाली रो में कौन सा क्या क्या लिखा हुआ ऐसा सिलेक्ट करके देखते हैं। या तो यहाँ पे आपका जो 10 नंबर हाईलाइटेड हो रहा है, अभी हम 11 नंबर पे हैं, 11 नंबर को ऐसा सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इस सीट में, कहीं हम दूसरे का ना देख लें इसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीट पर क्लिक करें तो ये पूरा कलर्ड हो जाए और हाईलाइटेड हो जाए, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हमारे पास अभी ये आप देख रहे हैं 6 से लेके 15 तक रो में ये लिखे हुए हैं जो भी चीज़ें हैं, हम यहाँ पे कुछ एक नंबर लिख लेते हैं उसी रो से रिलेटेड। आप कोई सा भी एक नंबर लिख लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं और अभी इसको हम जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे न्यू रूल करके है, न्यू रूल में जाके यूज ए फार्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट करके है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे ये आपको फार्मूला लिखना है। तो हमें सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है जो हमने अभी रो नंबर लिखा है, रो नंबर 7 यहाँ लिख के रखे हमने, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इक्वल टू रो, हमें क्या देखना है, हमें क्या सिलेक्शन करना है, रो, और वहाँ पे कुछ भी लिखा रहे ऐसा हम कोष्टक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें साइड में फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट में आप जाके वो हाईलाइट कौन से कलर से होना चाहिए वो आप उस कलर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉन्ट अगर बोल्ड इटैलिक क्या है, कैसा रहना चाहिए, क्लिक करने के बाद में आप उसको भी सेट कर सकते हैं। और फॉन्ट का कलर कौन सा ब्लैक रहे या कौन सा कलर आपको रखना है, यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी आप चूज करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में अभी आप देखेंगे कि ये सेल हाईलाइट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नंबर जब चेंज करेंगे, मान लीजिए आप 8 करते हैं तो ये 8 नंबर पे आ गया, 9 करते हैं तो 9 नंबर पे चले गया। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं कि हम इस पे जैसे ही क्लिक करें तो ये सेल हाईलाइटेड हो, ना कि यहाँ पे नंबर हमें लिखना पड़े, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे विजुअल बेसिक के थ्रू कोडिंग करके, बहुत ही आसान तरीका है। आपके एक्सेल शीट में यहाँ पे डेवलपर टैब होना चाहिए, अगर डेवलपर टैब नहीं है तो आप यहाँ पे जाके एक्सेल ऑप्शन में जाके ला सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलर में ही आपको सो डेवलपर टैब इन द रिबन करके है, इसको टिक करके ला सकते हैं। अगर आप इसके अलावा 2007 एक्सेल के अलावा कुछ और यूज कर रहे हैं तो आप यहीं पर राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन करके एक ऑप्शन रहता है, वहाँ कस्टमाइज रिबन करके उसमें आप जाके डेवलपर टैब को ला सकते हैं। तो ये डेवलपर टैब में यहाँ पे विजुअल बेसिक करके लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट है Alt F11। आप Alt F11 प्रेस करके भी आप ओपन कर सकते हैं, या तो हम यहाँ क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब ये हमारा सीट ओपन हो गया, VBA सीट। अब इसमें हमारा सीट 1 है, सीट 2 है, ठीक है, जो एक्सेल सीट हम अभी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा सीट 1 और ये सीट 2 है। तो अब हम इसमें चलते हैं, आपका यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप सिलेक्ट सीट कर लीजिए, ये आपको जिस सीट में आपको वर्क करना है। तो हम सीट 1 में भी वर्क कर रहे हैं, तो हम सीट 1 में डबल क्लिक करके इसको खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वर्क सीट करके रहेगा, वर्क सीट को यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्शन चेंज, सिलेक्शन चेंज करके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन इफ से स्टार्ट होगा आपका। कोई भी कंडीशन लगाने से पहले आपको इफ लगाना है, इफ नॉट इंटरसेक्ट, इफ नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करना आपने सुना होगा, मतलब काटना एक दूसरे को, ऐसा इंटरसेक्ट वर्ड आप देख लेना इसका मीनिंग। इफ नॉट इंटरसेक्ट, यहाँ से हम कोष्टक स्टार्ट करेंगे। इंटरसेक्ट, देखिए आपका इंटरसेक्ट ये कोड आ गया, इसके आगे का हम कैसे क्या लिख सकते हैं।
एज रेंज करके है, तो एज रेंज हम यहाँ पे टारगेट कर देते हैं, जो हम टच करें मतलब जो इसमें हम क्लिक करें एज रेंज टारगेट कर देते हैं, TARGET। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, आपका सेकेंड रेंज क्या देना है, सेकेंड आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं रेंज, उसके बाद कोष्टक, ठीक है, यहाँ पे हम रेंज लिख के कोष्टक स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम सेल की रेंज देंगे डबल इनवर्टेड कामा के अंदर आपको लिखना है। अभी आप यहाँ पे आप देखेंगे हमारा रेंज कहाँ से स्टार्ट है, C6 से, ये देखिए C कॉलम में रो नंबर 6 से C6 से स्टार्ट है यार, और G18 पे ख़त्म हो रहा है, C6 से G18 तक हम वहाँ पे इसको दे देते हैं, C6 कॉलम G18, और ये कामा को फिर से लगाते हैं डबल इंटर कामा, फिर यहाँ पे ये वाला हम कोष्टक इसको बंद करते हैं, और हमारा दूसरा कोष्टक यहाँ पर ये वाला इसको भी हम यहाँ पे बंद करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इच नथिंग, अगर कुछ नहीं है तो देन, ठीक है, देन के बाद अगर आप इफ लगा रहे हैं तो लास्ट में आपको देन लिखना है, ठीक है, देन देन लिख लिए। अब यहाँ पे हम रेंज का वैल्यू दे देते हैं, रेंज की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कौन सा क्या टारगेट सेलेक्ट होना चाहिए, RANGE रेंज, रेंज हमारा कौन सा रहेगा जो हमने वहाँ पे नंबर लिख के रखा हुआ है उसका वैल्यू, ये हमारा H6 में है, H में 6 नंबर पे, देखिए आप 6 नंबर पे H कॉलम में H6 पे इसको भी हम डबल इंट्रोट कामा के अंदर लिखेंगे, ठीक है, हम अब कोष्टक बंद कर देते हैं, इसका वैल्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट डॉट रो, हमें रो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये हो गया, और अब ये हमारा फार्मूला पूरा हो गया, तो हम यहाँ पे इफ लगाए के रखे थे, इफ लगा के रखे थे इसलिए हम यहाँ पे इंड इफ कर देंगे, इंड इफ, ठीक है, और ये हमारा ठीक है इंड सब हो गया। अब ये हमारा फार्मूला ये कंप्लीट हो गया है, अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे हम जिसको भी क्लिक कर रहे हैं, जिस सेल को भी हम क्लिक कर रहे हैं वो हाइलाइटेड हो जा रही है, और यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ये चेंज हो जा रहा है। तो अभी तक जैसे इसमें तो लिखा हुआ है ये तो ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है वहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा रहे तभी हाइलाइटेड हो, अगर ऐसा आप चाहते हैं यहाँ पे अगर लिखा हो कुछ तभी ये हाईलाइटेड हो, तो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, यहाँ पे हम वापस होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके है यहाँ पे जाएंगे, और मैनेज रूल, न्यू रूल अभी हमने क्रिएट किया था, अभी हम इसको मैनेज रूल में जाके इसको ठीक कर सकते हैं, एडिट रूल करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एडिट रूल में जाएंगे वापस वही विंडो आ जाएगा, हम यहाँ पे एंड लिख देते हैं, एंड लिख के, ठीक है, आपका ये कोई सा भी एक फर्स्ट वाला सेल ये आपका आना चाहिए, मतलब एक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ कोष्टक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कोई सा भी, और इसको C6 हम लॉक नहीं करेंगे, ये C तो हमारा ठीक है, C को लॉक कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 6 को नहीं लॉक करेंगे इसलिए डॉलर का चिन्ह 6 के सामने से हटा देते हैं। अब ये कैसा रहे इज इक्वल आर इज ग्रेटर देन आर लेस देन, कुछ भी रहे इज नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो मतलब इसके बराबर ना रहे। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ये डबल इनवर्टेड कामा हम दो बार लगा दिए और बीच में कुछ भी गैप नहीं दिए, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो वो तो क्या आना चाहिए,
ये आगे का जो भी है रो वो सिलेक्ट होना चाहिए ऐसा करके। अब हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। एक और हम यहाँ इसका वाला कोष्टक बंद करेंगे लास्ट में, ठीक है, ये इसका वाला कोष्टक। अब हम यहाँ पे ओके करेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब मैं यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मैं वहाँ पे टिक कर रहा हूँ तो हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं जहाँ पे लिखा हुआ, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ में इसको हाईलाइट करके देख सकते हैं और आप इसको सेव कर लीजिए। यहाँ से आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट भी बंद कर देंगे तो ये सेव ही रहेगा। आप यहाँ से भी अपने फाइल को आप सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ आप ऐसा कोडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए रोज लेके आऊँगा। और क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाएंगे, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो सीखे, चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।